क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सारे 5G फोन्स की इंटरनेट स्पीड एक जैसी होगी? हम इस सवाल की तहें भी उधड़ेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ मौजूद है Redmi Note 11T 5G। इस फ़ोन के बारे में वो सवाल जो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कमेंट्स में इधर उधर लोगों से पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गोविंद। हेलो गोविंद। हेलो कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। गोविंद वो शख्स हैं जिन्होंने इस फ़ोन को डिटेल्ड रिव्यू किया, इसे जांचा परखा और इसे अच्छे से यूज़ करके और इसके ऊपर दुनिया भर के टेस्ट किए, और अब हम इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि Redmi Note 11T 5G जो फ़ोन है, इस फ़ोन की गोविंद सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, इस फ़ोन में आपको एक नया चिपसेट मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है, और इस प्राइस पर ये मिलना एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो चिपसेट है, क्योंकि ये 5G है, तो आपका फ़ोन जो है वो फ्यूचर प्रूफ रहता है। आप आने वाले टाइम में जब भी 5G इंडिया में आता है तो आप इस पर आराम से 5G यूज़ कर पाओगे। दूसरी इस फ़ोन पर जो खासियत है वो है इसकी बैटरी, जो आपको काफ़ी अच्छा बैकअप इस फ़ोन पर देती है, क्योंकि जो ये चिपसेट है ना, ये एक 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला चिपसेट है जो बहुत पावर एफिशिएंट है, तो आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप इस फ़ोन से मिलता है। ठीक है, तो गोविंद ये जो फ़ोन है एक 5G फ़ोन है। मेरा सवाल जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि क्या इसकी Redmi Note 11T 5G जो फ़ोन है, इसकी 5G की स्पीड भी इंटरनेट की स्पीड जो है वो सेम दूसरे फ़ोन जैसी रहेगी? और दूसरा सवाल ये कि क्या इंटरनेट, जितने 5G फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं, क्या इनकी इंटरनेट की स्पीड एक जैसी रहेगी या अलग अलग होगी? देखिए, इसका जवाब देना इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 5G बहुत अपने इनिशियल स्टेज पर है इस वक्त, और 5G में बहुत सारे काम हो रहे हैं अभी। और जब भी 5G आता है उसके बाद भी हमें बहुत सारे चेंजेस 5G नेटवर्क्स में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इस वक्त 4G है, 4G अब जाके सेटल डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी हमें 4G की जो असल स्पीड थी वो नहीं मिली है। तो अब हमें जाके कैरियर एग्रीगेशन हो गया, सपोर्ट्स हो गए, ये सब मिलते हैं आज के टाइम पे। तो 5G जब भी इंडिया में आएगा हमें देखने को मिलेगा कि फिर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज इसमें और नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो ये बोल पाना कि आने वाले टाइम में सभी 5G की स्पीड एक जैसी होगी, ये थोड़ा अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसका जवाब देना। हम 5G का वेट करते हैं, फिर इसका जवाब दे पाएंगे ढंग से। ओके, अच्छा एक सवाल ये कि ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन का डिस्प्ले है 6.6 इंच, इसकी क्वालिटी, आपने इसे यूज़ किया, इसकी क्वालिटी कैसी है? देखिए, ये जो फ़ोन है ना, ये इसमें आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले है, और इसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्स, जिसकी वजह से मैंने इसको एक +1 दिया। लेकिन 90 हर्ट्स इस प्राइस पे मिलना बहुत स्पेशल नहीं है। अभी जो डिस्प्ले है, IPS होने के बावजूद इसमें आपको अच्छा खासा आउटपुट मिलता है। अगर आप ब्राइटनेस की बात करें, आप कलर्स की बात करें, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ब्राइटनेस का जो लेवल है वो आउटडोर में थोड़ा सा कम लगा मुझे, लेकिन इंडोर्स के लिए डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस पर कॉन्टेंट देखते हैं तो इसमें आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट मिलता है, तो आप अच्छा फुल HD कॉन्टेंट इस पर देख सकते हो। तो ओवरऑल IPS LCD के हिसाब से ये एक अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन मैंने अपने डिटेल रिव्यू में भी जैसे बताया कि इस प्राइस पर आप एक AMOLED डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फोन्स में मिल भी रहा है। अच्छा, तो कौन से वो फ़ोन है जिनमें AMOLED डिस्प्ले इस सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा? देखिए, इस प्राइस पर आपको Redmi Note 10 Pro Max में AMOLED डिस्प्ले मिलता है, Realme 8 Pro में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है। बेशक वो 4G फोन्स हैं, लेकिन जो डिस्प्ले आपको दे रहे हैं और जो बंडल वो एज अ फ़ोन निकल के आता है, वो इससे बेहतर मुझे लगे वो फ़ोन। और अगर मैं बात करूँ चिपसेट की, तो क्योंकि ये 5G चिपसेट है और नया चिपसेट है, तो बेशक इसके जो स्कोर्स हैं वो उन फोन से थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन अगर आप AMOLED डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता हूँ, अपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, कि इस वक्त 5G जो फ़ोन्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि 5G बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है इस वक्त, और जो 4G है वो सेटल डाउन हो चुका है, तो अब सभी फोन्स में कॉमन नॉर्म बन गया कि 4G तो आएगा ही आएगा। लेकिन 5G बहुत नया है, जिस वजह से, और चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से चिपसेट महंगे हैं। तो अभी जो फोन्स में 5G डाला जा रहा है उसमें दूसरे जो स्पेक्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, बजट में ये तो देखने को मिल रहा है हमें। तो अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए फ़ोन लेते हो, 1-1.5 साल में फ़ोन चेंज करने वाले हो, तो मेरे ख्याल से आपको अभी 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए, या 5G फोन्स को प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए अगर आप बजट में फ़ोन ढूंढ रहे हो। बट हाँ, अगर आप लंबे टाइम के लिए फ़ोन चाहते हो और सिर्फ 5G से मतलब आपको कॉलिंग वगैरह करते हो, तो आप 5G फ़ोन ले सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखने को मिल रहा है इन फोन्स में। ओके, तो यानी कि गोविंद की बात को अगर मैं एक लाइन में बताता हूँ, तो कहानी ये है कि ये जो फ़ोन है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आप AMOLED ख़रीदना चाहते हैं, AMOLED डिस्प्ले वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो 5G भूल जाओ, ठीक है, 5G को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, 4G फ़ोन ले लो, AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर आपको 5G लेना है, नहीं 5G लेना है, तो फिर आप AMOLED भूल जाओ और IPS LCD का, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब बजट के अंदर तो थोड़ा बहुत ये दिक्कत है। अगर आप 20,000 के नीचे ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कुछ महीने में हमें कोई ऐसा फ़ोन मिल जाए जिसमें सब कुछ ही हो,
लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। 20,000 से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, 21-22,000 रुपये का आसपास अगर आपका बजट है, तो आप मोटो H20 फ्यूजन, मैंने अपनी वीडियो में बताया, वो फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिलता है, आपको अच्छा कैमरा सेटअप भी मिलता है, 5G वो फ़ोन है, ज़्यादा बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो ओवरऑल वो एक अच्छा फ़ोन है 5G फ़ोन। ओके तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को ज़रा ये इसका कवर हटा के फ़ोन को दिखाना ज़रा। अच्छा, ये फ़ोन के डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन तो अच्छा है, ये जो कलर है ये काफ़ी इंप्रेस करता है। उसमें आपको पीछे एक हल्का सा फिनिश मिलता है जिसको मैट सा भी लुक देता है, एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा ऐसे ग्लॉसी फिनिश भी मिलता है, तो जो ग्रेनी जो उसमें टच है ना वो इसको स्क्रैचेस से बचाता है, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। प्लास्टिक बैक होने के बावजूद थोड़ा सा स्क्रैचेस से बच सकता है। ओके, तो आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, ये वाकई थोड़ा मैट फिनिश में थोड़ा डिफरेंट है ये। तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका जो बैटरी बैकअप है इस फ़ोन का, रेडमी नोट 11T 5G का बैटरी बैकअप कैसा है इसका? मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसका बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और ये जो चिपसेट है ये बहुत पावर एफिशिएंट चिपसेट है, तो आपको ज़्यादा बैकअप इस फ़ोन से मिलता है। सेम अगर आप किसी और फ़ोन से कंपेयर करें जिसमें सेम कैपेसिटी की बैटरी है, अगर उसमें 5000 mAh की बैटरी है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है और वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो ये ज़्यादा अच्छा आपको बैकअप देता है। अब मैं इसके बैकअप के फिगर्स की बात करूं तो आप अगर एवरेज यूज़र हो, मतलब आप 1.5-2 घंटे नेटफ्लिक्स कर लेते हो, आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करते हो, तो आप इससे एक दिन का बैकअप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैंने ज़्यादा जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं अपने डिटेल्ड रिव्यू में बताएं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप बहुत लाइट यूज़र हो, आप ब्राउजिंग करते हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब करते हो, कॉलिंग वगैरह करते हो, तो आराम से इस फ़ोन पर आप 1.5 दिन का जो बैकअप है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये तो बैकअप है। एक सवाल होता है जो मेरे दर्शक, हमारे दर्शक बल्कि अक्सर पूछते हैं, ये चार्ज कितनी देर में हो जाता है? चार्जिंग के मामले में भी ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो आपको मतलब इस फ़ोन को 0-100% आपको चार्ज नहीं करेगा, फ़ोन को 0-100% लगभग 1.25 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। अच्छा, 1.25 घंटा लगता है इसको चार्ज होने में, 0-100। वैसे फ़ोन को आप 0 तक लेकर मत जाओ, आप 20-25% हो जाए तो तभी आप फ़ोन चार्जिंग पर लगा दो, मेरा ये मानना है। अच्छा, इस फ़ोन को लेकर गेमिंग में आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, गेमिंग की बात करें इसमें तो अगर आप बजट में एक अच्छा प्रोसेसर ढूंढ रहे हो MediaTek में जो अच्छा बैकअप भी आपको दे, तो ये फ़ोन वो है, मतलब आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस से मिलती है। टॉप एंड नहीं मिलेगी आपको, आप BGMI HD सेटिंग्स पर खेल सकते हो मैक्सिमम, और स्मूथ सेटिंग्स पर आपको अच्छे खासे फ्रेम्स मिलते हैं गेमिंग करते वक्त इस फ़ोन पर। और वहीं अगर मैं COD की बात करूँ तो आप अल्ट्रा सेटिंग पर इस फ़ोन पर COD इंजॉय कर सकते हो। तो गेमिंग के मामले में मीडियम सेटिंग्स पर आप इस फ़ोन पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है ना उसका जवाब गोविंद आप थोड़ा सा ईमानदारी से देना, थोड़ा नहीं पूरी ईमानदारी से देना, ये जो इसका कैमरा है, कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छा, कैमरा की परफॉर्मेंस मैंने डिटेल रिव्यू में भी सेम ही चीज़ बोली थी, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ बोलूँगा कि हार्डवेयर की बात दूसरी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है इस फ़ोन की वो बहुत ही बेकार है। क्योंकि आप इस फ़ोन से अगर फोटोज़ लेते हैं तो कई बार आपको अच्छे फोटोज़ मिलेंगी, कई बार बेकार मिलेंगी। अगर आप किसी बहुत ही सनी एरिया में चले जाते हो, बहुत ब्राइट लाइट में चले जाते हो, तो जो एक्सपोजर मेंटेनेंस है ना, जो मेंटेन कर नहीं पाता है फ़ोन लाइट को ढंग से, डार्क एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगता है और बहुत ज़्यादा एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, तो वहाँ पर ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और HDR जो है वो भी काफ़ी ऐवें ही है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करता HDR। तो ओवरऑल अगर आप फोटोज़ के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी मेरे को। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे उससे इसकी जो परफॉर्मेंस है, कैमरा परफॉर्मेंस, उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो जो है इस फ़ोन का, लेकिन फिर भी कैमरा अगर हम कोई अच्छा है, सेम बजट में हमें कोई अच्छा कैमरा चाहिए, तो हम कौन सा फ़ोन खरीदें? देखिए, एक फ़ोन है IQ Z3, वो ओवरऑल एक बढ़िया फ़ोन है, वो 5G भी है, उसमें आपको अच्छा कैमरा भी मिलता है, आपको उसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता क्योंकि वो एक 5G फ़ोन है, लेकिन जो उसमें चिपसेट मिलता है स्नैपड्रैगन 768 वो बेहतर परफॉर्मर है, तो ओवरऑल वो एक मैं बढ़िया फ़ोन बोलूँगा। अच्छा, वो 768 जो है वो इससे बढ़िया है ऐसा कुछ? हाँ, वो मतलब ओवरऑल 20,000 के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, तो इस फ़ोन की ये सारी चीज़ें तो होगी, इस फ़ोन की डिटेल में अगर मैं प्रोज कॉन्स, खूबियाँ खामियाँ कमियाँ, इसके लाभ फ़ायदे नुकसान सारे एक साथ शॉर्ट में क्या है? खूबियों के मामले में तो मैं दो ही चीज़ बता सकता हूँ आपको, MediaTek Dimensity 810 चिपसेट जो है 5G चिपसेट है, दूसरी चीज़ इसका बैटरी बैकअप जो उसमें अच्छा है। कमियाँ तो बहुत सारी मैंने बता दी आपको कि पहली चीज़ आपको इसमें एक LCD डिस्प्ले मिलता है,
दूसरी चीज़ आपको उसमें जो स्टीरियो सेटअप मिलता है उसकी हम बात नहीं कर पाए वैसे, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं और डेडिकेटेड एक टॉप स्पीकर मिलता है स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो स्टीरियो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है। ऊपर का जो स्पीकर है वो बहुत डल है, उसकी आवाज़ नीचे के मुकाबले बहुत ही कम नज़र सुनाई देती है आपको, तो स्टीरियो इफेक्ट ये फ़ोन नहीं क्रिएट कर पाता है। तीसरी चीज़ कैमरा, मैंने आपको बताया कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगी हैं वो है इसके सॉफ्टवेयर को लेकर के, MIUI को लेकर के, और वो ओवरऑल सभी रेडमी के फ़ोन्स में होता है कि MIUI मुझे थोड़ी सी कम ऑप्टिमाइज लगती है। और जो बग्स आपको बग्स नहीं मिलते हैं, आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर मिलता है, वो थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर इसमें भी है, बेशक उसको दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले थोड़ा सा कम करा है, लेकिन ब्लोटवेयर यहाँ पर मिलता है। तो MIUI को अगर थोड़ा सा और ब्लोटवेयर फ्री कर दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके गोविंद, हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि रमेश इनका नाम है, ये पूछना चाह रहे हैं नोट 11T लूँ या नोट 11T प्रो का वेट करूँ मैं। देखिए नोट 11 प्रो जो है वो ऑलरेडी आ चुका है चाइना में और जल्दी वो इंडिया में भी आ जाएगा, तो अगर आप उस फ़ोन का वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अर्जेंटली कोई फ़ोन लेना है तो मैंने अपने रिकमेंडेशन ऑलरेडी बता दिए इस वीडियो में, तो आप उनमें से कंसिडर कर सकते हो, जैसे iQOO Z3 हो गया, आप मोटरोला फ्यूजन H20 फ्यूजन ले सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं कि वो फ़ोन कैसा है रेडमी नोट 11 प्रो, उसके ऑलरेडी वीडियोज़ आउट हो चुके हैं जैसे, और मतलब फ़ोन के स्पेक्स आ चुके हैं ऑलरेडी, चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप वेट करना चाहते हैं तो। और कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। हमारे साथ गोविंद बैठे हैं। गोविंद, जो भी सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में आप देंगे अगले वीडियो में? हाँ ज़रूर, मतलब जितने सवाल आपने अभी तक पूछे या मेरे ख्याल से जितने हमने चीज़ें आंसर करी है इसमें, उसमें आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर आपके पास और भी सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमें लगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है तो उसके जवाब जो है हम अगले वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आपके नाम के साथ देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नाम आएगा या नहीं आएगा, नाम भी आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी फटक से। बिल्कुल, तो जब तक आप किसी दूसरे वीडियो पर, हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।